हलचल टीवी न्यूज। एचएयू के मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानियों डॉक्टर राज सिंह ने बताया कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से घना कोहरा व कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है और आने वाले 2-3 दिनों तक प्रदेश में हल्के बादल छाए रहेंगे। प्रदेश में आने वाले दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह देते हुए मौसम वैज्ञानिकों डॉक्टर राज सिंह ने बताया कि 14 जनवरी से किसानों की फसलों के लिए अनुकूल मौसम चल रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में हल्की बारिश होती है तो गेहूं की फसल के लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है। 14-15 जनवरी के बाद से जो मौसम बिल्कुल ठीक चल रहा था, अनुकूल था और उससे फसलों में काफी रिकवरी हुई है और आने वाले समय में भी हमें उम्मीद लगता है कि ये मौसम गेहूं की फसल के लिए अच्छा रहेगा। किसान भाइयों को यही सलाह है कि जहाँ उनको दिखाई दे कि थोड़ा बहुत पानी की देने की फसलों की जरूरत है तो पानी दें, क्योंकि बारिश की इस बार थोड़ा उम्मीद कम ही लग रही है। अगर होगी भी तो एक दो बूंदाबांदी आती है, बूंदाबांदी होने की संभावना है। हिसार से हलचल टीवी के लिए रमेश जाखड़ की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज।